सोई जो राम रच राखा को करी तर्क बढ़ावे साखा। ये रामचरितमानस की चौपाई है और इस चौपाई को शायद राहुल गांधी समझ पाए। जैसा मैम के मिश्रा ओनली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो जय श्री राम के साथ शुरू करूंगा और आज राहुल गांधी और कंपनी को यहां पर कोर्ट रूम से जो मिली है करारा तमाचा उसको लेकर के और आज जनता के बीच पब्लिक के बीच की पिटाई को आज दिखाऊंगा। अनुरोध करूंगा आज जय श्री राम के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज हम चाहते हैं कि ये वीडियो पूरे देश में जाए और एक राहुल गांधी को इस चौपाई का मतलब समझ आए। मैं फिर से वो चौपाई को आपको बताऊंगा। वही है सोई जो राम रच राखा को करी तर्क बढ़ावे साखा। इस लाइन का मतलब राहुल गांधी को समझ में आ जाना चाहिए। लिए चलता हूं खबर की तरफ, क्या कुछ हुआ है और कैसे राम मंदिर निर्माण के लिए आज रोड़ा बन रहे थे राहुल गांधी, उस राहुल गांधी के लिए आज करारा तमाचा है वीडियो। आपको बता दूं रामचरितमानस की ये पंक्ति सही साबित हुई है। तमाम विवादों के बाद आज अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के भूमि पूजन की तिथि आ चुकी है और एक जमाने में कांग्रेस के युवराज और अब सिर्फ वायनाड के सांसद राहुल गांधी की गोद में बैठने वाले साकेत गोखले एक नई अड़चन डालने में जुट गया था। पर कोर्ट की जिस तरह से उसकी याचिका को खारिज करते हुए उसके आधार को काल्पनिक बताया था, उससे आज राम भक्तों को हर्ष की लहर के अंदर दौड़ गई है। वे इतने प्रभु राम के प्रताप को एक छोटी सी वानगी ही मान रहे थे और साथ ही यह सवाल भी कर रहे थे कि और आखिर राहुल गांधी कब तक राम काज में रोड़े अटकाते रहेंगे। अब तक प्रभु श्री राम की बात हो रही है तो दुष्ट शक्तियों का जिक्र जरूरी है। ऐसे दुष्ट शक्तियां हर युग में आती हैं, हर युग में होती हैं। जिन लोगों के सामने वार की हिम्मत नहीं होती है लेकिन वो मोहरे तलाशते हैं और उनके सहारे अपने स्वार्थ की पूर्ति का प्रयास करते हैं, जैसे कि कांग्रेस के तथा युवा नेता राहुल गांधी ने राम मंदिर के भूमि पूजन में अड़ंगा लगाने को लेकर किया है। राहुल गांधी के इशारे के राम मंदिर के भूमि पूजन के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और राहुल चाहे तो इन आरोपों को मुकर सकते हैं और ये उनकी आदत में शुमार भी रहा। उससे पहले ये तस्वीरें हैं जो झूठ नहीं बोलती हैं। गोखले के साथ उनकी तस्वीरें का करीबियत को महसूस सबूत भी जरूरी यहां पर है। आपके सामने तस्वीर नजर आ रही है, आप देखिए किस प्रकार से तस्वीर बहुत कुछ बोल रही है और ये तस्वीर कह रही है जिसमें राहुल गांधी के साथ ये वही व्यक्ति है जिसने राम मंदिर को निर्माण का वो लिखवाने के लिए यहां साफ तौर पे कहा है। ये वो तस्वीर है, आप साफ तौर पे देखिए बहुत कुछ कहता है। आरटीआई एक्टिविस्ट है ये गोखले, आप साफ तौर पर इसकी तस्वीर को देख लीजिए राहुल गांधी के साथ में। और कोरोना काल में अयोध्या के राम मंदिर को भूमि पूजन पर ये व्यक्ति रुकवा के लिए आपत्ति जता रहा था कोर्ट में और कोर्ट में चाह रहे थे राहुल गांधी किस तरीके से राम मंदिर का निर्माण रुक जाए। यहां मैं आपको रोकूंगा और अपने आप से अपने अंदर से झांक कर पूछिए और राहुल गांधी के लिए दो मिनट का सोचकर देखिए कि व्यक्ति करना क्या चाहता है। क्या चाहता है कि राम मंदिर ना बने, 110 करोड़ हिंदुओं के साथ क्यों खेल रहा है ये व्यक्ति, इसका सवाल पूछता है हिंदुस्तान, पूछता है ओनली न्यूज़ नेशन, पूछते हैं हम और पूछता है भारत का हर एक देशवासी। इस सवाल का जवाब हमें चाहिए और इस सवाल का जवाब राहुल गांधी एंड कंपनी को खुद सामने आकर देना चाहिए कि हमारा गोखले के साथ क्या रिश्ते हैं और गोखले आखिर क्यों पहुंचा था राम मंदिर को रुकवाने के लिए आज भूमि पूजन उनका। यह बड़ा सवाल है और इस सवाल पर कांग्रेस चुप्पी नहीं साध सकती है जबकि हाईकोर्ट ने लताड़ लगा दी है, हाईकोर्ट ने तमाचा मारा है। आपको बता दूं इससे पहले भी कुछ लोग राम मंदिर के फैसले के लिए के अगेंस्ट में कोर्ट में पहुंचे थे और कोर्ट ने 1,00,000 रुपए का जुर्माना के साथ ये खबर सोशल मीडिया पर भी चल रही थी उसको साफ तौर पर चेतावनी दी थी कि ऐसे मामलों के लिए मत आइए। मैं आपको बता दूं जो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला
505 जजों की खंडपीठ में, सुप्रीम जजों की खंडपीठ में जो था, और 50 से फैसला आता, यानी किसी जज के द्वारा कोई भी आपत्ति नहीं की जाती है, उसमें एक जज जो होते हैं वो मुस्लिम भी होते हैं, लेकिन उनको भी कोई आपत्ति नहीं थी। उसके बाद राहुल गांधी की ये साजिश आखिर कहां तक जायज है? आगे बढ़ते हैं। अभी इस वीडियो में बहुत कुछ है, वीडियो को छोड़िएगा मत। आप, मैं आपको बता दूं, इन सब के बीच ये राहुल गांधी की कठपुतली कहा जाए तो इसको गलत हम नहीं कहेंगे, जो ये साकेत है। मैं आपको बता दूं, इसका इतिहास रहा है पहले से भी राहुल गांधी के समर्थन में अभियान चलाना और पीएम मोदी के विरोध में अगुवाई करना का इतिहास इस व्यक्ति का रहा है। ऐसे में कोरोना को लेकर चिंता तो वाजिब चिंता है, और ना ही उद्देश्यों को लेकर संक्रमण से बचाना है, वह केवल राहुल गांधी को बचाना चाहता है, जिसकी राजनीतिक मुद्दों के अभाव में दम तोड़ रही है। साकेत का बैकग्राउंड बताना भी बहुत जरूरी है। हर कदम पर राहुल गांधी के इशारे पर चलने वाला व्यक्ति, कुछ समय पहले उसने खुद को कहा था कि मैं कांग्रेस में तब तक जुड़ा हूं जब तक राहुल गांधी प्रदेश अध्यक्ष बने, और राहुल के नेतृत्व में ही युवा जैसे गैर राजनीतिक परिवारों के होने के बावजूद राजनीति में आने का मौका मिला। अब उसने पिछले साल इस्तीफा दिया तो मैंने खुद अलग अपने आप को अलग कर लिया, राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया और स्वतंत्र रूप से काम करने शुरू कर दिया है। अब कोई समझ होगा जो साकेत की याचिका को कांग्रेस का हाथ समझने से इनकार कर देगा। अब आपको बता दूं, दरअसल पीएम मोदी के कार्यकाल में राहुल गांधी और कांग्रेस मुद्दाभीन जब हो गई थी तो राफेल से लेकर जीएसटी जैसे मुद्दों पर जनता के कांग्रेस की हवा निकाल दी थी, जिसके चलते उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसके वजूद को जीवित रखने के लिए वो क्या करें। इसके चलते उन्होंने साकेत को प्यारा बनाकर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की साजिश रची। हालांकि इस साजिश को राहुल के ढोंग को उजागर कर दिया है जो लोकसभा चुनाव में हिंदू वोटों को प्रभावित करने के लिए उसने रचा था। राहुल के मंदिर में दर्शन किए थे, जनेऊ धारी बना था, और मगर अब स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस की विचारधारा हिंदू की कभी नहीं शामिल थी, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ हिंदू विरोधी विचारधारा में रही थी। गोखले के तर्क में शायद ही कोई परेशानी नहीं होती हो, यह उसका उद्देश्य है कि किसी सियासी पार्टी के उद्देश्य की पूर्ति करने में जुड़ा हुआ है, और यह सर्वविदित है कि कांग्रेस कभी राम मंदिर के पक्ष में नहीं रही है, उसने कभी नहीं चाहा कि हिंदुओं की आस्था का सम्मान किया जाए, उसने कभी नहीं चाहा कि कोर्ट के फैसले में बोलते रहे, वो कभी किसी प्रकार से राम मंदिर के भूमि पूजन को रुकवाने के लिए कांग्रेस साजिश को राहुल गांधी और उनकी पार्टी के जान में भरी नफरत सामने आ गई है। राहुल गांधी ने स्वयं जनता के सामने जनता को यह बता दिया है कि उनके धारणा किया गया, जो वो बार बार कहते हैं कि जनेऊ को राजनीतिक स्टंट, उसका था साफ हो गया है। अब आपको बताऊं, ये सब कुछ की हिंदू विरोधी और हिंदू आस्था के खिलाफ पूरी तरह से षड्यंत्र है। यूं ही नहीं, कांग्रेस पर हमेशा से हिंदू विरोधी होने का आरोप लगता रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उनके नेता मंदिरों के चक्कर लगाए, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों की धारणा में जन्म दिया कि कांग्रेस शायद बदल रही है, लेकिन ताजा प्रकरण ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया, और साथ ही ये पुनः स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस 10 कुटिल चेहरे जो समय समय पर हिंदुत्व को लेकर अपने असली कुत्सित रंग दिखाते हैं वो साफ हो गए हैं। कांग्रेस के कोरोना काल में राम मंदिर भूमि पूजन के से दिक्कत है, लेकिन उन अपने नेताओं को उन बयानों से नहीं जो लॉकडाउन में कुर्बानी को चेतावनी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि भले ही लॉकडाउन हो लेकिन ईद पर कुर्बानी हम देकर रहेंगे। केवल मसूद ही नहीं, कांग्रेस के कई अन्य नेताओं ने इसको लेकर कोरोना से ज्यादा ईद को चिंता है, और राहुल गांधी और कांग्रेस की सोच से ही पता चलता है कि कोरोना धर्म देखकर लोगों को निशाना बनाया जाता है, यानी भूमि पूजन से जुटने लोग को वायरस की चपेट में आ सकते हैं लेकिन दूसरे संक्रमित कर सकते हैं, लेकिन ईद को लेकर जुटने वाली भीड़ कभी कोरोना से संक्रमित नहीं कर सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन सबके बीच जुटने वाले खुदा के खास सुरक्षा से नमाजा है इसके लिए ईद में, ऐसा लगता है। आपको बता दूं, ना खुद उन्हें होगा और ना ही किसी और को होगा, ये जब लोग ईद में इकट्ठा होंगे, ऐसी है कांग्रेस की सोच। मैं आपको बता दूं, इसी तरह से मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति के चलते कांग्रेस आज पतन के कगार पर पहुंच चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वो सुधरना नहीं चाहती है। जनता को एक बार फिर से राहुल गांधी उनकी पार्टी का असल चेहरा नजर आ गया है, वो चेहरा जो जाति धर्म के आधार पर
भेदभाव करता रहा है। वो चेहरा जो हिंदू हमेशा पराये नजर से देखता रहा है, वो चेहरा सिर्फ हिंदू धर्म को कोई मायने रखता है, जो चेहरा गोखले जैसे प्यादों को सामने रखकर नफरत की चाल चलता रहा है। अगले चुनाव में जनता कांग्रेस की चाल पर जवाब जरूर देगी, जैसा कि पिछले कुछ समय से देती आई है, और वो शायद हिंदू विरोधी जो पार्टी है वो ताबूत में उसकी आखिरी कील साबित होगी। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली के साथ सलाहकारों की दिक्कत हमेशा से रही है। यूं तो हर कोई ताकतवर आदमी इर्द गिर्द सलाह देने के लिए उनके घूमता रहता है, लेकिन तमाम सलाह गलत भी देते हैं। लेकिन गांधी परिवार के साथ कई सलाहें मानना ऐतिहासिक और कभी ना भुलाई जाने वाली साबित हुई हैं। नेहरू जी का शेख अब्दुल्ला के सलाह पर कश्मीर में 370 लगाना और एक दिन अमेरिका से मिलकर साजिश करने के आरोप में सालों तक जेल में डाले रखना, हिंदू कोर्ट बिल लाना लेकिन समान नागरिकता संशोधन बिल ना लाना जैसी बातें इतिहास भुला नहीं सकता है, और कांग्रेस आज इस इतिहास का कीमत चुका भी रहा है। इंदिरा गांधी ने जिस तरह से लोगों को कहने पर इमरजेंसी लगाए उसे भी आज तक कांग्रेस भुगत रही है। साबानु प्रकरण और श्रीलंका के शांति सेना भेजने जैसी सलाह पर अमल राजीव गांधी पर हमेशा के लिए दाग लगा दिया है और इन्हें कहते हैं, और इसकी कीमत भी इनको चुकानी पड़ी है। हिंदुत्व के मामले में गलतियां कांग्रेस से हमेशा से होती रही हैं। सोनिया गांधी के अप्रत्यक्ष राम में राज में चिदंबरम और दिग्विजय सिंह जैसे सलाहकारों के चलते हिंदू आतंकवाद का नारा गढ़ा गया। इस हिंदू वोट के लिए काफी नाराज हुए और दिग्विजय सिंह ने 26/11 के हमले पर संघ कर आरोप लगा दिया और हिंदू वोट बैंक काफी नाराज हुआ। आपको बता दूं, इससे सबको फायदा और किसको नुकसान हुआ ये भी समझना चाहिए। अब फिर राम मंदिर को कोर्ट के फैसले के बावजूद राहुल गांधी की गोद में खेलने वाले राहुल के राजनीतिक करियर समाधि पर बनाने में तुले हुए हैं। सागर गोखले तमाम तो मुद्दों पर विवादित होते रहे हैं। साकेत ने भूमि पूजन रोकने का नया सिगुका भी सोचकर छोड़ा होगा और भाजपा और पीएम मोदी को परेशान होंगे, लेकिन साकेत गोखले नहीं समझ सका कि जो अब वो मुद्दा बना रहा है राम मंदिर मामले में अड़चनों का मतलब होगा कि राम भक्तों को दुनिया भर में संदेश जाएगा कि राहुल गांधी अपने खास लोगों के लिए इस पुनित काम में अब अपनी टांग फंसा कर रखना चाहते हैं। सोचिए, जिन हिंदुओं को रिछाने के लिए वो मंदिर घूम रहे थे, अपना गौत्र भी ढूंढ कर ले आए थे, लेकिन मंदिरों में धोती पहनने लगे थे और कांग्रेस का जनेऊ तक खोज लाई थी, तो उसी तथा कथित राहुल के लिए आवाज खास मतलब हिंदुओं से आस्था के सबसे बड़े केंद्र भूम पूजा पर अड़ंगा डालने का किस प्रकार से वो भी कोर्ट के जरिए, ये बड़ा सवाल बनता है। हिंदू इसको कैसे लेंगे? क्या वो राहुल गांधी को कभी माफ कर पाएंगे? क्या राहुल गांधी ने कभी सोचा होगा कि जिस सुप्रीम कोर्ट में अपना फैसला सुना दिया है, जिस फैसले पर कांग्रेस ने भी खुशी जताई थी, लेकिन राम जन्मभूमि का श्रेय कांग्रेस ले रही है, उसे भूमि पूजन राहुल गांधी के लोग अक्षर फंसाएंगे, इस बात को कैसा लगता है, ये भी बड़ा सोचने वाली बात है। दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर, अधीर रंजन चौधरी, साकेत गोखले तमाम ऐसे कांग्रेसी हैं जो अपने ऊल जुलूल बयानों और हरकतों के चलते कांग्रेस और गांधी परिवार को नीचा दिखाते रहे हैं। कई बार तो राहुल उलट सलाह देते हैं, इस चक्कर में राहुल गांधी अपनी फजीहत करवाते हैं और साकेत गोखले जैसे जब लोग उनके सलाहकार हैं तो उनकी हरकतें राहुल को खुश करने के लिए बार भाजपा को तथाकथित हेट मोमरिंग के निपटने के लिए ऑनलाइन कंपेनिंग में 22 लाख रुपए डाले थे। अब भूमि पूजन कोविड गाइडलाइंस को रोक मांग करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका डाल दी थी, एक बार फिर कांग्रेस की छीछा लेदर कराई है। मैं इस वीडियो को यहां पर खत्म करूंगा और आपके सामने जितनी चीजें बताई हैं एक सब तथ्यात्मक हैं और सब चीजों को सोच करके कांग्रेस पार्टी का आगे वाले जो भविष्य है वो जनता तय करेगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। मैं वीडियो को खत्म करूंगा, अनुरोध करूंगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, इस 5 अगस्त को हर घर में बनेगी दिवाली और कांग्रेस को जवाब देना है, राहुल गांधी को जवाब देना है घर में दिवाली मनाकर, तो 5 अगस्त को मनाइए दिवाली और भगवान राम का भव्य स्वागत करिए जो 14 वर्ष के बाद अपने रियल लाइफ में वनवास से आए थे, लेकिन यहां तो कई सैकड़ों सदियां लग गई भगवान राम को अपने घर अयोध्या वापस आने में। बहुत बहुत धन्यवाद। ओनली न्यूज ग्रुप में आप सभी का ये जो हम एक कंपेनिंग लेकर आए हैं, इस कंपेनिंग में इस 5 अगस्त को हम सब मनाएंगे दिवाली, क्योंकि जिस प्रकार से भगवान राम को जो हमारे पूरे 130 करोड़ देशवासियों के इष्ट देवता है,
जी हाँ साहब, 130 करोड़ देशवासियों में हमें पता है 110 करोड़ हिंदू है, लेकिन सबके इष्ट देव भगवान श्री राम है, ये चाहे कोई माने या ना माने, 110 करोड़ तो मानते हैं। तो इस 5 अगस्त को भगवान राम के जन्मभूमि पर वहां पर होगा शिलान्यास और प्रधानमंत्री मंदिर का शिलान्यास और प्रधानमंत्री मोदी उसका शिलान्यास करेंगे। तो इस 5 अगस्त को हम सबको मनानी है दिवाली। जी हाँ, आपकी बार भगवान राम का आगमन उनके रियल लाइफ में तो 14 वर्ष में हुआ था, लेकिन सैकड़ों सदियों लग गई और भगवान राम वापस आ रहे हैं इस 5 अगस्त को अपने घर वापस अयोध्या। तो आप सबसे निवेदन है, आपकी बार आप 5 अगस्त को हर घर में दिवाली मनाएंगे, हर घर में पटाखे फूटेंगे और हर घर में दीपक जलेंगे, लड़ियां सजा दीजिए, पूरे देश को सजा दीजिए, घर को सजाइए। हम आपसे आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि इस 5 अगस्त को हर घर में दिवाली मननी चाहिए। इस वीडियो को हर फोन तक पहुंचा दीजिए, शेयर करिए और 5 अगस्त को भव्य सेलिब्रेशन हर घर में होना चाहिए। 110 करोड़ हिंदुओं के आस्था के जो प्रतीक है भगवान श्री राम, 130 करोड़ देशवासियों में हर कोई का कहीं ना कहीं जो उनका आज अस्तित्व है भगवान श्री राम के नाम की वजह से है, चाहे वो किसी जाति धर्म से हो। तो चलिए, आप इस वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।